अस्सलाम वालेकुम. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी PSY407 असाइनमेंट का सलूशन जो है इस वीडियो में बताया जाएगा. और सॉरी फॉर डिले, एक दिन पहले ये असाइनमेंट का सलूशन अपलोड किया जा रहा है. एक्चुअल में आपके पास जितने भी जो सलूशंस आते हैं मैनुअल, वो आमतौर पर AI जनरेटेड होते हैं. तो मेरी और ख़ासतौर पर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से जितने भी सलूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, मुकम्मल डीपली टू अंडरस्टैंड हैंडआउट्स एंड आफ्टर द मैच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स, देन फाइंड द सलूशंस. AI जनरेटेड नहीं होते लाइक दैट. चाहे GPT से हो गया या फिर मेटा AI, आजकल व्हाट्सएप में भी AI अवेलेबल हो गया. इसके अलावा जो है स्नैपचैट, उसमें भी AI है, फेसबुक में भी मेटा AI आ गया. इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी आ गया, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं पॉपुलर, लेकिन ज़्यादातर चैट GPT इस्तेमाल होता है असाइनमेंट्स के लिए और दूसरे सोल्यूशंस के लिए. तो मैं पहले हैंडआउट्स को फाइंड आउट करता हूँ, हैंडआउट्स से फिर असाइनमेंट्स को देखता हूँ कि क्या और कहाँ से लिया गया टॉपिक और किस तरह से ये मैच कर सकता है इस सिनेरियो को, या जो भी अकॉर्डिंग टू जो सजेशंस दिया गया है असाइनमेंट्स को, तो उसके मुताबिक भी हैंडआउट्स को रीड आउट करने के बाद फिर मैं जो है ना एक मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक जो है वो पूरी पूरी स्ट्रगल करके और असाइनमेंट बनाता हूँ. ऑलमोस्ट मेरे 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं और समटाइम 3 घंटे भी लग जाते हैं एक असाइनमेंट को मुकम्मल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. तो अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ. लास्ट डेट इसकी है 29 अप्रैल 2024 है. और एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस भी आते हैं ना, तो आप उनको कॉपी ना क्या करें. यहाँ ये वीडियो का पर्पस यही होता है कि आप स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाए, आपके जो लॉजिकल जो पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं असाइनमेंट से रेलिवेंट, वो भी आपके सॉल्व हो जाएँ. और फर्दर ये है कि आपको डीपली तौर पर असाइनमेंट का आपके माइंड में जो पर्पस है वह बैठ जाए, जिसके बाद ये होगा कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है असाइनमेंट को सॉल्व कर सकें. ओके, तो 29 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है. असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. और असाइनमेंट है कि जो स्टूडेंट इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा तो वो काबिल हो जाएगा, आइडेंटिफाई कर सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा की कंसेप्ट को लेकर जो प्रिंसिपल मोटिवेशंस हैं विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स में. ओके, आगे बताया गया है जो प्यारे तालिब इल्म, ये जो असाइनमेंट्स है इसका मकसद ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके, आपको मदद मिले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस को लेकर, जिससे आप ऑब्जर्व कर सके स्पोर्ट्स को. और आपसे पूछा गया है कि ये मंदरजा ज़ैल जो सिनेरियो है इनको आपने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट मोटिवेशन टाइप्स की और जस्टिफाई करना है रेलिवेंट सेक्शंस में. ओके, ये सिनेरियो है और साथ में टाइप्स ऑफ मोटिवेशन हमने आइडेंटिफाई करनी है और जस्टिफिकेशंस करनी है अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट सेक्शन, मतलब कि ये वाले कॉलम में. ओके, अब चलते हैं लेसन नंबर 7 से ये दी गई है असाइनमेंट, और लेसन नंबर 7 में इंट्रोडक्शन से ही दी गई है असाइनमेंट जस्ट. ओके, अच्छा, यहाँ पे 2 तरह के टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस है. एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब के इंटरनली, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है मतलब के एक्सटर्नली. अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशंस क्या है. इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेशन बेसिकली इंटरनल डिज़ायर है. जब एक प्लेयर्स परफॉर्म करता है अपनी किसी खास टास्क को लेकर, तो उसका जो सर्टेन एक्टिविटीज़ होती है वो उसकी सेल्फ प्लेयर्स को लेकर होती है, और वो डेवलप करता है अपनी पर्टिकुलर स्किल्स को. मतलब कि यार मेरे ना कोच ने कुछ नहीं कहा उसे, बल्कि कोच कहता है चलो ठीक है तुम ना सही काम कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर फील होता है कि यार वो मेरे से बेहतर खिलाड़ी है, मैं उसके उसे मोटिवेट तो हो रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर एक काबिलियत है, मैं उसको मज़ीद निखार सकता हूँ और मज़ीद मैं एक अच्छा प्रोफेशनल फील्ड में इस फील्ड में स्पोर्ट्स वाली इस वाली काबिलियत को मज़ीद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो ये इसके अंदर से एक इंस्पायरेशन आ रही है, एक अंदर से उसकी मोटिवेशन आ रही है, जिसके बेस पर वो अपनी स्किल जो खास जो स्किल्स है उसको डेवलप कर रहा है. और इट्स ये जो मॉरली जो होता है ना, ये राइट टू डू थिंग है, मतलब कि जो इंटरनल से मोटिवेशंस आता है ना, वो कभी कभार आपको क्या 100 to 70-80% आपको
राइट टू डू थिंक करने के लिए देता है, जबकि एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो फैक्टर्स होता है एक्सटर्नल को देकर, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वही आपको मोटिवेट करते हैं, और आप इनफरादी तौर पर अनरिलेटेड जो टास्क होते हैं, मतलब कि जो ना भी करने वाले हो वो भी आप करना शुरू कर देते हैं अपनी परफॉर्मिंग के दौरान, जिससे क्या होता है कि एक वर्स एक्सट्रिनिक मोटिवेशन जो है वो रेफर होता है। और ये एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशंस है ये एक्सटर्नल अपोज होता है किसके खिलाफ, इंटरनल सोर्स के खिलाफ, मतलब कि इंटरनल मोटिवेशन के खिलाफ होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन। मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर एक पैसा जो है ना, वो पैसे को लेकर एक ख्वाहिश, एक जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो आपने पैसा हासिल करना है दूसरों को देखकर, तो ये आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से है, जबकि जो इंटरनल मोटिवेशंस क्या होगी कि आप अपने आप की अपनी हदूद में रहकर, अपनी फील्ड में रहकर आप अपनी जो विलिंग्स है और जो लर्निंग स्टफ है ना उसको आप इम्प्रूव करेंगे। जैसे कि अक्सर एक भिखारी अगर मांगने आता है उसको उसको समटाइम कह देते हैं यार तुम सही सलामत है मैंने मजदूरी कर, तो ये जो होगा यानी कि वो अगर वो इस लफ्ज़ को सुनकर अगर वो मेहनत मजदूरी करना स्टार्ट कर दे तो ये उसके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशंस है। अगर उसके माइंड में ये रहता है कि यार मांगने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो ये उसका इंटरनल मोटिवेशंस होगा क्योंकि वो मांगने को ज़्यादा प्रेफर दे रहा है। ओके तो इसलिए अगेंस्ट ये दोनों चलते हैं। ओके आगे है, चलते हैं सिनेरियो की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ। तो इसमें एक काशिफ है जो ज्वाइन कर रहा है एस्टीम्ड कॉलेज ऑफ अपनी सिटी को, और वो समर में यानी कि वो ज्वाइन कर रहा है, तहम उसके जो फादर है वो काबिल नहीं है इसके कि वो अफोर्ड कर सके उसकी फीस उसकी कॉलेज की, और काशिफ जो है वो सिर्फ सिर्फ उसकी ऑप्शन जो है वो कि वो क्वालिफाई करे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप को और एडमिशन ले जो उसका जो उसने उस कॉलेज का सोचा है उसमें एडमिशन हो उसका। स्कॉलरशिप जो है वो रिक्वायर करती है काशिफ को कि वो एक्सेल एट चेस, मतलब कि वो चेस में एक एक्सपर्ट बने, और जो स्पोर्ट है वो नेवर प्ले बिफोर, जो स्पोर्ट जिससे वो स्पोर्ट्स वो खेल नहीं सकता, मतलब कि अगर चेस में वो निखार एक्सेल करता है चेस में जो है ना वो अच्छा कारकर्दगी दिखाता है तो स्कॉलरशिप उसको मिलती है, अदरवाइज उसको वो गेम में हिस्सा नहीं ले सकेगा। तहम क्या होता है कि कुछ मंथ बाकी रह जाते हैं तो काशिफ जो है वो स्टार्ट करता है चेस की प्रैक्टिस करना और क्वालिफाई करता है स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा ये इन टर्न फॉर द एडमिशन एडमिशंस को हासिल करने के लिए, अच्छा इसमें है एडमिशंस को हासिल करना है इसने, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इस तरह है क्योंकि उसका जो पर्पस है वो एक अपनी काबिलियत के बजाय एडमिशन लेने पर उसका है, और वो एक्सटर्नल के बेस पर उस चीज़ को हासिल करने के लिए और रिवार्ड को हासिल करने के लिए वो स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए वो चेस की गेम में क्वालिफाइड हो रहा है ताकि उसको स्कॉलरशिप में उसको एडमिशन मिल जाए। ओके सादा लफ्ज़ों में यही है, जो चीज़ आपको रिवार्ड के सिस्टम में रिवार्ड से मिल जाए, मतलब कि आपको पैसे की सूरत में मिल जाए किसी भी फॉर्म में मिल जाए तो वो एक या फिर आपको एक डेजिग्नेशन मिल जाए तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। अब जस्टिफिकेशन में कुछ आप इस तरह से बता सकते हो कि एक्सेल जो जो काशिफ है वो मोटिवेट हुआ है कि चेस एक्सेल एट चेस में और क्वालिफाई हुआ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में, प्राइमरी तौर पर डिवाइन किया उसने एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिसके बेस पर उसने स्पेसिफिकली तौर पर डिजायर को अफोर्ड किया, कॉलेज की फीस को उसने अफोर्ड किया, फर्दर यह है कि उसने वो जबकि वो जो इनहेरेंटली जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब कि चेस की गेम में उसने इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन उसको जब पता चला है कि चेस की गेम में पार्टिसिपेट करने से मैं क्वालिफाइड हो सकता हूँ स्कॉलरशिप के लिए और स्कॉलरशिप की बेस पे मैं एडमिशन मुझे मिल जाएगा कॉलेज में स्पोर्ट्स में जबकि मेरे फादर वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसने ये अपनी डिज़ायर को एक एक्सटर्नल डिज़ायर को उसने एक मोटिवेट होकर उसमें चेस की गेम एक्सपर्ट हुआ, और इसके बेस पर क्या हुआ कि उसने अपना एक्सटर्नल जो गोल लाइक दैट स्कॉलरशिप के बेस पर एडमिशन के लिए उसने हासिल कर लिया। ओके आगे जो है सिनेरियो नंबर 2 है, इसमें रजा फादर है और रजा फादर जो है वो फर्स्ट क्लास का जो क्रिकेटर है, लेकिन क्या है कि
वो क्वालिफाई नहीं है पाकिस्तान जो नेशनल क्रिकेट टीम है उसके लिए। तहम उसकी जो विश है कि वो उसका जो बेटा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेयर बने, और इसके लिए क्या करता है कि वो एंगेज करता है रज़ा को प्रैक्टिस के लिए अपने उसके बचपन से ही, और साथ में वो लाइक नहीं करता जबकि उसका बेटा क्रिकेट, और वो फील करता है कि उसको फोर्स किया जा रहा है उसका फादर की तरफ से हर वक्त। रज़ा जो है टायर्ड है कम्युनिकेट करने, यानी कि रज़ा जो है ना उसका, रज़ा का जो फादर है वो एक किस्म का ना थक चुका है वो कम्युनिकेट करने के लिए, और फादर जो है वो लेकिन जो उसका फादर है वो फिर भी नहीं कर सकता है ऐसे वाले से डिस्कस किए, क्योंकि वो थोड़ा सा खौफ जाता है कि उसका वालिद साहब जो है नाराज़ ना हो जाए। लेकिन कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद रज़ा जो है वो एक्सपेक्टेशन जो क्रिकेट स्किल्स की है वो डेवलप कर लेते हैं, और जो इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं होता अलबत्ता इवन एंड सिंगल बिट थोड़ा सा भी। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि आप बाहर से प्रेशराइज होते हो तो तब आपके अंदर वो चीज़ एक ना भी इंटरेस्ट हो आपको करना पड़ता है, तो ये अपने फादर की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए जो रज़ा का फादर है वो अपने फादर की डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो क्रिकेट टीम क्रिकेट में पार्टिसिपेट ले रहा है पाकिस्तान नेशनल जो टीम है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि उसके वालिद की जो डिज़ायर है उसको पूरा कर सके। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जिसकी बेस पर वो रज़ा ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इंटरेस्ट ना होने पर भी। तो जस्टिफिकेशंस में आप बस इतना ही बता कि जो रज़ा है वो एंगेज हो रहा है क्रिकेट टीम में प्राइमरी तौर पर, एक्सटेंट उसका प्रेशर जो है उसके फादर की वजह से है, जिसकी वजह से उसकी जो विश भी है वो अपने फादर जो विश भी है वो प्ले फॉर पाकिस्तान के लिए जो फादर की तरफ से है वो भी उसको, फादर की विश के लिए ही काम कर रहा है मतलब क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेल रहा है प्ले कर रहा है, और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है स्किल्स जो रज़ा की वो उसकी लैक ऑफ इंटरेस्ट है क्रिकेट को लेकर, जिसकी बेस पर उसके जो मोटिवेशंस है वो ड्राइव हो रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उसको इन्वॉल्व, एक्सटर्नल फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है उसका वालिद साहब, वो उसको फिर उसको यानी कि उसको फोर्स कर रहा है ना उसका वालिद साहब, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से उसका एक्सटर्नल मोटिवेशंस बन गया कि मैंने अपने वालिद साहब की ये डिज़ायर पूरी करनी है, और वो इंजॉय भी नहीं कर रहा लेकिन उसका क्या है कि एक पैशन फॉर क्रिकेट बन चुका है अपने वालिद साहब के लेकर। ओके, थर्ड जो है वो उसमें इस तरह से बताया गया कि तलहा जो है वो स्टार्ट करता है बॉक्सिंग जबकि उसकी 13 साल की उम्र में करता है, लेकिन क्या कि फालिद साहब उसके ना इनरोल हो चुके हैं ट्रेनिंग में, और वो तलहा जो है वो लाइक नहीं करता स्पोर्ट एट फर्स्ट, मतलब कि फर्स्टली वो स्पोर्ट को लाइक नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि कुछ मंथ प्रैक्टिस करने के बाद उसकी जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है और वो स्ट्रोंगर बन जाता है बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने से, और उसका जो दोस्त है वो इनिशियली तौर पर अप्रिशिएट करता है उसको, मतलब कि उसको ना तारीफ कर रहा है उसका वो दोस्त उसको, और साथ में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो स्कूल में तलहा को जाना चाहता है कि वो किस तरह से तलहा उसे जानना चाहता है कि वो उसका दोस्त उससे किस तरह से इम्प्रेस हो रहा है, लेकिन कुछ सीन पॉपुलैरिटी के बाद यानी कि तलहा को जब फील हुआ कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो उसने फिर प्रैक्टिसिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग करना शुरू कर दिया पहले की निस्बत। अच्छा, पहली बात यह है कि उसका इंटरेस्ट नहीं था, ये एक्सटर्नल फैक्टर उसको ना इन्वॉल्व कर रहे थे, उसके वालिद साहब भी इनरोल हो गया ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको यानी के मुलवस कर रहे थे ताकि वो उसको बॉक्सिंग को एज अ प्रैक्टिस ले, लेकिन उसके अंदर से एक ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मेरी तारीफें हो रही हैं, मेरे दोस्त मुझे उसके नाम जानना चाह रहा है, मेरे दोस्त मैं दोस्त से जानूँ कि क्यों मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, यानी कि वो उसने जब इम्प्रेस हुआ कि लोग मुझसे इम्प्रेस हो रहे हैं, इसकी एक इंटरनल डिज़ायर डेवलप हुई, इसके अंदर एक एक्सटर्नल डिज़ायर डेवलप हुई, तो जिसके बायस किया हुआ कि उसके अंदर जो है वो एक इंटरनल मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ, तो इस बेस पे जो बाद वाला मोटिवेशन पैदा हुआ इस सिनेरियो में, इस बात वाला जो मोटिवेशन पैदा होगा इस सिनेरियो में, तो देन कंसिडर इज ऑलवेज दैट एक्सटर्नल मोटिवेशन इन दिस बिलोंग सिनेरियो, क्योंकि
क्योंकि पहली बात है कि जो चीज़ एंड पे हो वही कंसिडर की जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को इस हवाले से कन्फ्यूजन्स थी कि एक्सटर्नल पहले है इंटरनल बाद में हम, तो क्या करें हम। तो अब कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो जाएगी कि जो चीज़ एट द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द मोरालिटी हो वही कंसिडर की जाती है। तो ये इंटरनल मोटिवेशन कंसिडर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल मोटिवेशन इनिशियली, मतलब कि स्टार्ट में हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि इंट्रिंसिक इंटरनल मोटिवेशन लेटर, मतलब बाद में लेटर मोटिवेशन जो हुआ था, लेकिन आप यही कंसिडर करेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन आप दोनों भी लिख लें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इनिशियली तौर पर भी मेंशन लाजमी कर देना, ताकि जो ट्वीटर जो आपका सुपरवाइजर है जो असाइनमेंट को चेक कर रहा है उसको भी पता चल जाए। अच्छा, जस्टिफिकेशंस में आप यही बता सकते हो कि जो इनिशियली पुतला है वो ये जो हुआ था वॉशिंग के लिए, और सामने उसकी ड्राइंग जो थी एक्सटर्नल फैक्ट्स को लेकर थी, जो आपके जो जो कि उसका फादर इनरोल, जिसमें फादर उसका जो था वो इनरोल था, जिसके बेस पे उसकी जो ट्रेनिंग अप्रिसिएशन थी वो फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स को लेकर भी स्टार्ट हो गई थी। तहम उसका जो तलहा था वो कंटिन्यूसली तो पर प्रैक्टिस कर रहा था, गेन स्किल्स कर रहा था और मोटिवेट हो रहा था ट्रांजिशंस को लेकर, इंस्ट्रक्टिव को लेकर, जिसके बायस उसकी जो ड्राइव होगी इंटरनल प्लेयर्स, ठीक है, इंटरनल प्लेयर्स उसकी ड्राइव होगी, जिसकी बेस पर उसकी सर्टिफिकेशन जो थी सर्टिफिकेशन वो इनहेंस होगी, जिसकी बेस पर उसने स्पोर्ट्स को अपने अंदर दाखिल कर लिया यानी कि बॉक्सिंग को, और वो फिर इंक्रीज करने लग गया इसकी प्रैक्टिस को, डेडिकेशन को, हार्डवर्क को। आगे सिनेरियो नंबर 4 है, इसमें एक बिलाल लड़का है जो कि फुटबॉल खेलता है और गुड प्लेयर है, और उसका जो बाप है वो एक का कोच है, और वो यकीन रखता है कि प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप बहुत अच्छे बनते हो। बिलाल जानता है कि इस हवाले से कि फादर उसका चाहता है कि वो एक मीट करे एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि बिलाल के जो फादर है ना वो ये चाहते हैं कि वो बिलाल जो है वो मीट करे एक्सपेक्टेशंस, बिलाल ये जानता है। और बिलाल जो है वो स्टार्ट करता है प्रैक्टिस 2 घंटे मजीद एडिशनली अपने फादर के जो डिज़ायर है उसको जानने के बाद, या जानते हुए भी बिलाल जो है वो 2 घंटे की मजीद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है उसने, कि उसके वालिद साहब ने ये उसे बताया कि, या उसने वालिद साहब ने जैसे कि उसको यकीन रखा है वो कि दो ज़्यादा प्रैक्टिस से ज़्यादा इंसान स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद क्या होता है, एडिशनल जो प्रैक्टिस है वो बिलाल की तरफ से वो उसको प्राइज कर रही है, मतलब कि तारीफें उसे मिल रही हैं और अप्रिसिएशन मिल रही है फादर की तरफ से, उसके कोच की तरफ से, और ये उसकी टर्न मेक्स बिलाल हैप्पी, और जिसकी वजह से बिलाल हैप्पी होता है। अब इसमें जो वर्ड है ना उसने लोगों को सुनकर नहीं देखा, बल्कि इसमें एक हैप्पीनेस उसने शो की है बिलाल ने एंड पे, कि बिलाल हैप्पी हो रहा है बस तरीफे सुनकर। अब ये नहीं कि तरीफे सुनकर उसने मजीद जो है ना अपनी जो प्रैक्टिस वो बढ़ा दी है, इसने उसने प्रैक्टिस नहीं बढ़ाई, 2 से 4 घंटे नहीं की, इसलिए ये एक्सटर्नल टू इंटरनल मोटिवेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर वो 2 घंटे और उसके नाम प्रैक्टिस बढ़ा देता लोगों की तारीफें सुनकर, अपने फादर की को अपने कोच की तारीफें सुनकर, अपनी तारीफें सुनकर, तो ये इंटरनल में एक्सटर्नल से होते हैं इंटरनल में कन्वर्ट हो जाना था, जबकि उसने बस खुश हुआ ठीक है मेरी तारीफ हो रही है बस, मैंने 2 घंटे ही उसने अपनी जो प्रैक्टिस जो है वो मजीद उसने बस रखी थी जितना उसने बताया है। तो ये एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जस्टिफिकेशन की बात करें तो बिलाल जो है वो मोटिवेट होता है प्रैक्टिस के लिए एडिशनल 2 घंटे के लिए, और फुटबॉल और जो कि उसके एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन ये जो है ना स्पेशली रिजल्ट उसके वालिद के क्राइटेरिया के मीट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, और वो जो तरीफें हैं या अप्रिसिएशन है उनसे हासिल करते हैं, जबकि ये जो वैलिडेशन है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट्स की फादर से या कोच से एक्सटर्नल रिवार्ड से वो जो है ना वो हासिल कर रहा है, मतलब कि एक्सटर्नल मोटिवेशन के अपने फादर से उसको तारीफ़ें मिल रही है और साथ में उसके कोर्स से उसको तारीफ़ें मिल रही है, जिसकी वजह से वो जो अपना टाइम है जो इन्वेंट कर रहा है मोर टू मोर, इसलिए भी इन्वेंट करने से एक चीज़ बताऊं कि एक चीज़ जो इंसान को दूसरों को लेकर वो चलता है ना वो भी एक्सटर्नल ही मोटिवेशंस होता है। और जैसे कि अगर बिलाल अगर अपनी मजीद एडिशनल 2 और प्रैक्टिस भी करता है और तो क्या होगा कि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन में कंसिडर इस वजह से होगा क्योंकि वो दूसरों से इंस्पायर होकर ही अपना काम कर रहा है, जबकि और ये प्रैक्टिसिंग ऑफ फुटबॉल है जो एक एक्सटर्नल मोटिवेशन में कंसिडर होता है।
तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की PSY402 के सोल्यूशंस ये आपके सामने था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।